आज हम लोग आए हैं नवाबों का शहर लखनऊ, और लखनऊ में जहाँ पे आए हैं वो उनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और भैया भी उनका डॉग को कोई एकदम नवाब की तरह ही पालते हैं। और आइए हम आपको मिलाते हैं डिक्स वर्मा से, और डिक्स वर्मा बहुत कम दिनों में बहुत एक तगड़ी जो आपका प्रोड्यूस है केनेकर शो का वो कर चुका है, और इंडिया में इनके पास जो पेडिग्री मौजूद है, जो वर्ल्ड के टॉप क्लास ब्लड लाइन मौजूद है, वो ब्लड लाइन और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। प्लस आपका केनेकर शो में कलर वेरिएंट सबसे ज़्यादा इनके पास ही मिलेगा। तो वेलकम टू ब्रिक्स भाई, और आपका ये केनेकर शो पर्टिकुलर ब्रीड चुनने का क्या राज है? मेरा केनेकर शो ब्रीड चुनने का एक ही राज था कि केनेकर शो फ्लैट में भी फीजिबल, बड़े प्रॉपर्टी में फीजिबल। केनेकर शो इज अ कंप्लीट डॉग, लो मेंटेनेंस कंप्लीट डॉग। यू नीड अ गार्डिंग डॉग, केनेकर शो इज अ गार्डिंग डॉग। यू नीड अ होम डॉग, पपी डॉग, ही इज एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट हिम टू बी। फ्लैट में मैनेज हो जाएगा, बड़ी प्रॉपर्टी में मैनेज हो जाएगा, उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन में मैनेज हो जाएगा। सो वेरी इजी ब्रीजी डॉग, नॉट मच हैसल। और इंडिया में केनेकर शो का तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब जब फर्स्ट डॉग लाए आपका, वो डॉग कौन सा था? मैं फर्स्ट डॉग वाज रेने। अच्छा, डेला पोडा डिपेंडा। तो वो डॉग के बाद आपका एक के बाद एक आप मतलब टेस्ट करते गए, तो अभी आपके पास कितना डॉग है केनेकर शो? आई हैव 31 केनेकर शोस राइट नाउ। अच्छा, तो पर्टिकुलर जो केनेकर शो टाइप है और आपके पास जो इंडिया में जो दिखते हैं, तो बहुत कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंशिएट आपने कैसे किए इतना कम दिनों में? इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट ही नहीं दूंगा, मेरे जैसे बाकी क्लाइंट्स हैं जो और भी इंथुजियास्ट हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना और क्या है। जैसे मैंने जो केनेकर शो की थ्योरी है वो पढ़ी, और मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस करी जो एंथुसियास्ट है, जिनने मुझसे खरीदे हुए हैं, तो हमने डिस्कस करी, हमने उसका एक निचोड़ निकाला या उसका एक सम निकाला या उसका कंक्लूड किया उसको, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपनी ब्रीडिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे, दिस इज माई थर्ड जनरेशन डॉग, इज अ लियांद्रो। हेड बिल्कुल फ्लैट, स्टॉप राइट, बॉक्स हेयर, बॉक्स हेयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीड अ परफेक्ट हेड, क्योंकि मुझे लगता है कि मैस्टिफ्स में हाइट वेरिएशन तो आपको समय मिल जाता है। सबके हाइट स्टैंडर्ड कहते हैं भाई सब 24 से लेकर 28 इंच तक, सारे मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, जी सारे कुछ, बट जो आपका मैस्टिफ डिफाइन करता है वो चीज़ है, वो हेड है पर्टिकुलरली। है सो जब केनेकर शो के हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अ मीडियम साइज लार्ज डॉग विद हैवी बोन, रेक्टेंगुलर साइज, हैवी नेक एंड अ बिग बिग हैवी नेक एंड अ ह्यूज हेड साइज, सो दैट ही कैन ग्रैब समबडी एंड पुल इट डाउन। और भैया केनेकर शो जो जनरल पब्लिक है उनको खाली नाम ही पता है, तो वो कैसे पहचानेगा एक केनेकर शो ये प्रॉपर ओरिजिनल ब्रीड है, इसमें कुछ डुप्लीकेसी नहीं है? जैसे उसका आंख बोलो, इसको बोलते हैं ब्रॉडनेस ऑफ द मजल। जो पपी का ये ब्रॉडनेस होता है इसको ब्रिज बोलते हैं। इससे ही देख के पता चल जाता है कि पपी केनेकर शो है या नहीं। पपी का ये चीज बहुत ब्रॉड होगा और ये चीज स्टॉप बिल्कुल अंदर होगा। मैं आपको रेफरेंस शेयर कर दूंगा जिससे आप शेयर कर सकते हो अपने व्यूअर्स के साथ कि जितना ये ब्रॉड पपी का होगा उतना ही पपी अच्छी नस्ल का होगा केनेकर शो में, उसको स्क्वायर मसल बोलते हैं। जी जैसे आपने क्या भी देखी होगी, मैंने क्या भी पोस्ट करी या मुरादसी पोस्ट करा, तो इट्स गोना बी अ बॉक्स हियर एंड अ बॉक्स हियर। आपको बचपन से ही दिख जाएगा कि एक बॉक्स छोटा बॉक्स यहाँ पे, एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे, एंड इट्स गोना बी अ स्क्वायर बॉक्स, इट्स नॉट गोना बी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जी और आईज कैसा होना चाहिए प्रॉपरली? सी, आईज शुड बी आलमंड आईज। इफ यू सी द शेप ऑफ हिज आईज, दे आर नॉट रूपी, दे आर प्रॉपर आलमंड शेप आईज। दिस शुड बी एटलीस्ट थ्री फिंगर गैप बिटवीन द टू आईज, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट यू कॉल इन अ केनेकर शो, स्टॉप। This should be 90 degree. If you see from him at the side, you will see. This will carry on to the skull. And this should be exactly flat. If you see him from the side, it will be flat skull.
और जो लोगों के पास राउंड आइज वाला है वो आपका सी ऑफ कोर्स देखिए, अब जब केनिन कोर्स हम रिट्रीव करा रहे थे बहुत तरह की ब्रीडें मिला के बना, और बहुत सारे अब्रॉड में भी ब्रीडर्स ने ब्रीड बनाया, उनको साइज बढ़ाना था, किसी को हेड बढ़ाना था, अब वो जनरेशन में कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना आपको। जी 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 जी, अब वो कभी ना कभी, अब कोई लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलिए मुझे इतना कम पैसे में, चलो राउंड आई मिल रही, मुझे राउंड आई से मतलब नहीं, बट ये सब जेनेटिक्स खराब करता है आगे जाके। जी, और किनकोर सो पर्टिकुलर लोग आपका वर्किंग पर्पस ब्रीडिंग करते हैं और कुछ लोग शो पर्पस ब्रीडिंग करते हैं, तो आप पर्टिकुलर क्या पर्पस आपके पास? मेरा पर्पस एक ही है, माय डॉग्स आर इन स्टैंडर्ड्स, इफ यू वांट टू शो देम आई विल नॉट गिव यू अ शो डॉग मोर देन, लाइक अभी जब मॉस्को है, मॉस्को गोना बी अ शो डॉग, 11 मंथ तक मैंने ढंग से उसको स्टडी करना है, उस डॉग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब शो। मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे कह देते हैं कि बच्चा शो क्वालिटी है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ से है कि लोग कैसे कह देते हैं कि एक बच्चा शो क्वालिटी है। आप 7-8 महीने तक ये नहीं बता सकते कि बच्चा शो क्वालिटी होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो एडोलेसेंस से एडल्ट बनता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मेरा मेन कंसर्न ये रहता है कि एक मैं टेम्परामेंट सेट करूँ मेरे कुत्ते में, वर्किंग लाइन भी, जैसे आपने मेरे वीडियोज़ देखेंगे मेरे कुत्ते प्रॉपर वर्किंग लाइन में दौड़ना हंट करना सब कुछ करते हैं, बट माई मेन चीज़, माई मेन कंसनट्रेशन वॉट यू कॉल इट, कि मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट करता हूँ वो है मेरे कुत्ते के टेम्परामेंट। अब जब मैं पपीज़ बड़े कर रहा हूँ, अब जानते हैं मैं 90 डेज से पहले पपी नहीं देता हूँ, जब मैं पपी बड़े कर रहा हूँ तो अगर मुझे कोई इतना पैसा देने आ रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो डिमांड है मुझे उसको, मेरे यहाँ कभी ये नहीं होता कि अरे जी ये फर्स्ट बॉर्न है, ये सेकेंड बॉर्न है या थर्ड बॉर्न है, ये आपकी चॉइस है। आप मेरे पास आएंगे, आप मुझे बताइए आपके कुत्ते को आप क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, उसका टेम्परामेंट क्या है जी। अगर वो मेरे पास अवेलेबल है उस टेम्परामेंट का बच्चा, अगर मैं थोड़ा ब्रशअप करके उसको और अच्छा कर सकता हूँ तो मैं आपको बोल दूंगा कि जी मेरे पास है। जी जी जी, और मेरा मेन कंसर्न इज टेम्परामेंट, टेम्परामेंट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि पिटबुल ने उसको कर दिया, अर्जेंटिनो ने उसको बाइट कर दिया, ये सब बहुत ज़्यादा जेनेटिक फॉल्ट और टेम्परामेंट के कारण इशू आता है, जिसमें लोग बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। जी जी, अब वही जी है कि इंसानों के बच्चों में भी आप देखेंगे कि किसी इंसान का बच्चा ISPCS बन जाता है और किसी इंसान का बच्चा जेल चला जाता है। जी 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 जी, सो वो टोटल अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। और एक बात, जो वर्किंग डॉग है वो शो कर सकता है क्या? क्यों नहीं शो कर सकता, वर्किंग डॉग में ही तो सारी क्वालिटीज होंगी। अगर आपका डॉग अच्छे से वर्क कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, अच्छे से रनिंग कर रहा है, तो उसमें आप मुझे बताइए कहाँ से कमी आ जाएगी। वो तो स्टैक, जैसे आपने भी अलियांड्रो को देखा, वो नॉर्मली खड़ा हो रहा है तो वो स्टैक में खड़ा हो रहा है, तो जब वो अजाइल है तभी तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। जी 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 जी, और एक तो मतलब बहुत, मतलब ये जो बातें हमने मतलब ये किए है, नोटिस किए है, आपके डॉग घर में खुला रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके करीब करीब आपका घर में 30+ डॉग है। जी ठीक है, तो आप जब कोई डॉग बाहर से आया, जी ठीक है, वो तो बच्चा नहीं आता है, एडल्ट ही आता है। जी, तो वो आपके जो इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो कि वो अटैक ना करे, वो इतना फ्रेंडली आप लोग कैसे उसको संभालते हो? सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि शुरू के हफ्ते भर मैं जो बाहर से कुत्ता आया है उसका चार्ज लेता हूँ। जी जी, दैट डॉग शुड हैव टोटल फेथ ऑन मी। उस 7 दिन में मैं उसकी, अगर मैं कहूँ उससे, मतलब पूरा कंट्रोल मैं उस कुत्ते का ले लेता हूँ। जी जी जी, और फिर उसके बाद क्योंकि बाकी मेरे सारे कुत्ते कंट्रोल में हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं मैं पैक का अल्फा हूँ। अच्छा, जो मेरा पैक है उसका अल्फा मैं हूँ। अच्छा, सो मेरे कहे बिना कुछ नहीं होगा या मेरे उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे आज ही फ्रे आई है, कलकत्ता से ही आई है, बैसेट हाउंड गर्ल, आते ही तुरंत, हम ये नहीं करते कि अलग करना है, कुछ नहीं करना है, तुरंत करेक्ट, तुरंत करेक्ट, तुरंत करेक्ट। जैसे ही वो आया है अगर कोई मिसबिहेवियर हो रहा है तो वहीं करेक्ट करना है। जी 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 जी, और आपका ये जो पर्टिकुलर आपने जो अभी तक ब्रीड किए हो जी, तो आपका ये कितना जनरेशन चल रहा है ब्रीड? ये मेरा थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन जी, तो पर्टिकुलर मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास कितना कितना कलर अवेलेबिलिटी है? मेरे पास सारे ही कलर अवेलेबिलिटी है। मैं तो अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया है मैंने कलर्स में, मैं रिप्रेसिव जीन निकाले लगा हूँ ताकि किसी भी पेरेंट्स में कलर्स ना आए, वो एक ही कलर का बच्चा दें, तो मेरे पास क्लाइंट को फिल्टर करने में मैं सारे क्लाइंट एक कलर के एक ही जगह कर लूँ। जी जी, सो आई हैड ब्लू रिप्रेसिव जीन जिसमें सारे पेरेंट्स ब्लू थे, अभी मैंने फर्मेंटिनो रिप्रेसिव जीन किया है नेमेरिया क्रॉस आइजैक जिसमें पेरेंट्स फर्मेंटिनो है। जी, सो आई एम मेकिंग मोर रिप्रेसिव जीन की जिसको जो जीन पूल चाहिए वही जीन पूल मिले जी पेडिग्री के साथ। जी, और एक तो शिकायत आता है कि आपके पास बच्चा
मिलता ही नहीं है, ठीक है। एक तो शिकायत आता है बहुत लोगों से कि भाई बच्चे उनके पास नहीं अवेलेबिलिटी होता है, तो आपके पास इतने सारे डॉग रहने के वजह से भी आप लोग इतना कम मतलब कैसे मतलब प्रोड्यूस नहीं करते हो, या आपका डॉग का आप लोग बहुत रेयर ब्रीडिंग करते हो? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं हम रेयर ब्रीडिंग करते हैं। अगर बच्चे हुए हैं तो सबसे पहले आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, सेकेंड कम्स द क्लाइंट। अगर बच्चे आते हैं, जैसे लिया लियांड्रो थे, इवन लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी अब्रॉड आल्सो पीपल हैव आस्क्ड मी फॉर अलियांड्रो, आई हैव नॉट गिवन। सो ये पहले तो हमें रिटेन करना है, हम अपने लिए पाल रहे हैं, हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं। सो आधे से ज्यादा बच्चे तो तीन चार बच्चे हमें रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद देन वी हैव क्लाइंट्स, हमारे पास मोस्टली एडवांस बुकिंग होती है, सो वो पहले से वेट कर रही है। तो मैं किसको दे दूँ, मतलब जो पहले जनरेशन के आके फिल्टर हुए थे हमारे पास, और हमारे पास 9 स्टेप का प्रॉपर स्ट्रिक वो होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हम चेक करते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, कि आप रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। जी जी, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे बच्चे को किस तरह से ग्रोथ दे रहे हैं। जी जी जी, इंडिया में बहुत सारे ब्रीडर जो बच्चा सेल करता है जी, वो ओनर को नहीं देखते हैं जी। आप ओनर का मतलब बैकग्राउंड चेक करके बच्चा देते हो जी, ये शुरू से आपका ये नेचर है जी, ये आपका मतलब ये मतलब कहाँ से आपने एब्जॉर्ब किया? देखिए, इसको आप मेरा बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं कि जब तक मैं एक अच्छा क्लाइंट या अच्छी फैमिली अपने कुत्ते के लिए नहीं ढूंढूंगा, आप मुझे बताइए कि वो बच्चा 100% परफॉर्म कैसे कर पाएगा अच्छे जीन पूल के साथ जी। मैं अगर अच्छा जीन पूल दे रहा हूँ तो उसके साथ उसको अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स चाहिए ना, तभी तो वो आगे जाके दिखेगा और मेरा काम लोग देख पाएंगे जी। तो इसके लिए एक अच्छे जीन पूल के साथ एक अच्छा क्लाइंट होना या अच्छी फैमिली होना भी बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के जो गाइड कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे अलियांद्रो का भाई है नोआ पुणे में, ओ माय गॉड इज गॉर्जियस, सिल्वेस्टर इज द पिक ऑफ द लिटर हैदराबाद, ब्यूटीफुल डॉग। सो क्लाइंट कितनी मेहनत कर रहा है उसको लेके, या वो कितना एंथुसियास्टिक है उसको लेके, तो वो चीज़ मैटर करती है कि मैंने आपको जीन पूल दे दिया कि आप उसको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बनाते हैं। तो मुझे वो चीज़, मेरे लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता, शायद मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूँ अगर मुझे ये लगता है कि आप में वो बात है। ऐसा नहीं होता, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझे ये भी कह देते हैं कि अरे हम आपको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनसे मैं अपने कुत्तों का नाम पूछो तो मेरे कुत्तों का नाम भी नहीं बता पाते। सो बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे मालूम है कि वो बहुत जेन्युइन मेरे साथ काफ़ी सालों से हैं, वो चाहते हैं, तो मुझे बस ये चाहिए कि आप मेरे बच्चे को एक अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट दें और जैसे मैं पालता हूँ बिल्कुल फैमिली की तरह आप पालें। और पर्टिकुलर बहुत लोग, एक तो मिथ है कि भाई ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है, लोग डरते भी है, और कुछ लोग बेवजह इसके इनके नाम पे कुछ ये भी फैला चुके हैं मार्केट में। तो आप तो इतना दिन से पाल रहे हो, और मैं आपके घर में दो बार आया, मैं तो अननोन पर्सन हूँ, लेकिन मेरे साथ एकदम कूल बिहेवियर मैंने देखा, और जैसे लैबरेटर जी जैसा होता है, लैबरेटर जैसा बिहेवियर ही किया, वो पूरा एकदम प्लेफुल मोटिव में था जी, और जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। तो एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये ब्रीड सही है क्या? सी, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ब्रीड सही नहीं है, क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना कि ही इज़ वेरी पावरफुल डॉग, जब आपको नहीं पता है क्या करना, जैसे कहते हैं ना कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर आप मेहताब दे देंगे तो वो जंगल जला देगा, सो वो ये बात है कि अच्छा। इतना पावरफुल डॉग है, अगर आपको नहीं पता कमांड कैसे करने या डॉग को ओवर रूल कैसे करना है तो वो कैसे चीज़ हो जाएगी? जी 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 जी। और मार्केट में अभी आप देखोगे कुछ टाइप का लोग है, वो पर्टिकुलर मान लो किनकर्सो ब्रीडर नहीं है, कुछ और ब्रीडर है, लेकिन वो उसके पास सारे चीज़ों का नॉलेज है जी, ठीक है। तो वो लोग कभी कभार कुछ गलत सलत भी बोल देते हैं, वो लोग के पास आप जाओगे टाइगर के बारे में भी, टाइगर ब्रीड के बारे में भी सारा कुछ नॉलेज वो लोग के पास है, तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है सर? दिक्कत तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है वो हेल्प ही करता है, क्योंकि वो मेरे साथ अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उसमें क्या होता है क्लाइंट फिल्टर हो जाता है। अगर आपके और आपके क्लाइंट के बीच में अच्छे व्यवहार नहीं है, मतलब अब यही है कि अगर आपके अपना बच्चा दे रहे हैं तो आपके और हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, पारिवारिक संबंध हो जाते हैं जी 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 जी, और उससे वो चीज़ फिल्टर हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप ऐसी में डिफ्रेंशिएट, ऐसे लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरा और आपका वो करना वही नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ के आ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट नॉलेज है, तो आपको
मेरे बैकग्राउंड से या मेरे उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा, आपको ये चीज़ जो दिख रही है उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। जी 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 जी। और पर्टिकुलर अगर ब्रीडिंग में आ जाए तो पर्टिकुलर एक अगर बच्चा कोई लेता है, चाहे फीमेल हो फीमेल लेते हैं, तो उसको कम से कम कितना एज के बाद ब्रीडिंग करना चाहिए? सी, ये टोटली डिपेंड करता है। बहुत सारी मिथ लोग कहते हैं कि दूसरी हीट पे, तीसरी हीट पे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुत्ते की मेच्योरिटी पे होता है, उसकी ग्रोथ पे होता है। कोई कोई फीमेल, जैसे हमने आर्या को मेट कराया, आर्या गॉट मेच्योर वेरी वेरी अर्ली एंड आई हैव बॉट, अभी रिसेंटली हमने दो बहनें खरीदी, नेमेरिया रेनेरिया, जिसमें से नेमेरिया जल्दी मेच्योर हो गई, रेनेरिया नहीं हुई। सो हमने रेनेरिया को रोक दिया, नेमेरिया को मेट करा दिया। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि कुत्ता कौन मेच्योर हो रहा है कौन नहीं। जैसे हमने काइली एट्रिया में से काइली को मेट कराया था, एट्रिया को 18 मंथ्स पे कराया था। सो वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी मेच्योर हो रहा है। अच्छा, और पर्टिकुलर एक आपने जब करते हो, आपके पास तो बहुत बच्चा बच्चा, मतलब फीमेल बच्चे से पालते हो एक बार में, और उसको मतलब मिनिमम कितना एज के बाद उसका लीटर आप लेते हो? अगेन डिपेंड्स, लिया का तो हम दो साल से पहले नहीं लेंगे। होप ऑल्सो, होप इज ऑल्सो देयर, भी होप भी दिखाएंगे आपको। होप का भी दो साल से पहले नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने जो इंपोर्ट कराया है उनका लगा के फिर हम दो साल पे ही लेंगे अपने बच्चों का, जो हमारा थर्ड जनरेशन का, जो फोर्थ जनरेशन आएगी लिया लियांड्रो से। लिया लियांड्रो है, इसकी बैंस लिया और मॉस्को, इन सबको, मॉस्को तो शायद जल्दी शुरू कर दें हम। ही इज ब्यूटिफुल डॉग एंड ही इज मेच्योरिंग वेरी वेल। और आप बाहर में स्टार्ट बहुत गिने चुने देते हो, ये कारण क्या है? मतलब अगर कोई अच्छा फीमेल आपके पास आए जी, वो प्रॉपर उसका पेपर के साथ या उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद, तो आप लोग आपके बाहर में स्टार्ट सर्विस देते हो क्या? मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, क्या बाहर स्टार्ट सर्विस? स्टार्ट सर्विस हम केवल ब्रांडन की देते हैं, बाकी जो मेरा बिजनेस मॉड्यूल है वो ये कहता है कि जो हमारे खुद के प्रोड्यूस हुए हुए बच्चे हैं, जैसे अब ब्रैंडन की जैसे काइली एट्रिया के बच्चे हैं, तो वो मेरे खुद के इंपोर्ट्स जो मैं अपनी लाइन बना रहा हूँ उससे निकलेंगे। अब जैसे अलियांड्रो का भाई है, वो उसी से मेट होगा जिससे मेरी फीमेल, उसी लाइन की फीमेल से मेट होगा जिससे अलियांड्रो मेट होगा। अच्छा, उसी लाइन की फीमेल से। अच्छा, ताकि मेरे पे स्ट्रेस ना आए, कि मेरे पे ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे मार्केट में पपी मिल खोलनी है, मुझे पपीज देने हैं। अगर आपको मुझे पपीज चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही अवेलेबल हो। मेरे क्लाइंट का मैंने खुद बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन, उसके पास भी उतने ही अच्छे बच्चे, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबली लेता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी। जैसे अभी पंपकिन के बच्चे हुए हैं, पंपकिन के बच्चे बहुत सुंदर हुए हैं, तो क्लाइंट सुनेगा, अच्छे से करेगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर मुझे कोई ऐसे पैसे का वो नहीं है कि कौन कितना पैसा है और क्या है। और पर्टिकुलर अभी इंडिया में कौन सा कलर का केनेकोर्सो का डिमांड ज़्यादा चल रहा है? कलर का तो फर्मेंटिनो का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। तो आप तो बहुत सारा लीटर आप ले चुके हो, तो अभी कस्टमर कौन सा कलर के लिए आपके पास ज़्यादा डिमांड करते हैं? ऐसा कुछ कलर वेरिएशन है? कलर मोस्टली इंडिया में कलर की डिमांड होती है, लोग टाइप बहुत कम देखते हैं, बट टचवुड मेरे पास क्लाइंट अच्छा है जो टाइप भी देके आता है। बट कलर का बोले तो फर्मेंटिनो कलर इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है, कि एग्जॉटिक में है, कि सबको फर्मेंटिनो ही चाहिए। अच्छा, और पर्टिकुलर आपके पास जो प्राइस है जी, वो कलर वाइज कुछ डिफरेंशिएट होता है क्या? नहीं, ना आपका, मैंने इस बार पहली बार ही कलर वाइज डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि मेरे पास जो सबसे रेयर फर्मेंटिनो होता है डार्क रेड फर्मेंटिनो वो था, तो अच्छा, मैंने उनको थोड़े से एक्सपेंसिव किया था, क्योंकि वो मिलना बहुत ही रेयर है। उसमें से एक बच्चा हमने भी रोका है, फेथ जी जी, दैट इज डार्क रेड कलर, बिल्कुल झक लाल जिसे बोलते हैं ना डॉग्स में, वो कलर। तो आपके पास क्या क्या कलर का केनेकोर्सो मौजूद है अभी? देखिए, मेरे पास फर्मेंटिनो सॉलिड्स में फर्मेंटिनो, फॉन ब्लू और ब्लैक तो सॉलिड में हो गए। उसके बाद ब्रिंडल्स में मेरे पास सारे शेड्स अवेलेबल हैं, ब्लू ब्रिंडल, रिवर्स ब्लू ब्रिंडल, ब्लैक ब्रिंडल, ब्रिंडल रिवर्स ब्लू ब्रिंडल, रेड टिग्राटो जी। और पर्टिकुलर मैं बोलना चाहता हूँ, आपके पास जितना कलर मौजूद है शायद इंडिया के बहुत कम लोगों के पास, गिनी चुने लोगों के पास मौजूद होगा, शायद नहीं भी होगा जी। और आपका डॉग इतना मतलब प्लेफुल है, इतना मतलब एकदम एनर्जेटिक है, इसका खान पान आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब क्या खाना देते हो? खान पान ही तो सबसे ज़्यादा मैनेज करने वाली चीज़ होती है जी। कहते हैं ना, जब किसी को आप बड़े हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको तब चाहिए होता है।
पूरी लाइफ आपकी उस पर डिपेंड करती है जी। सो हमारे जो बच्चे होते हैं शुरू से लेके आखिर तक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेजिम पे होते हैं फूड के। सो मैं बेसिकली जो अपने केने कोर्सों को देता हूँ वो बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट है। मैं मोस्टली 70-80% प्रोटीन रखता ही रखता हूँ एनिमल प्रोटीन खाने में। तभी आपने देखा होगा मेरे बच्चों के ऊपर फैट नहीं है, मसल्स हैं जी, सॉलिड मसल्स हैं जी। और सप्लीमेंट कुछ नहीं भाई, सब मैं सप्लीमेंट से बिलीव नहीं करता, ना मैं उन लोगों पे बिलीव करता हूँ जो सप्लीमेंट पे बिलीव करते हैं। सप्लीमेंट इज नॉन नेचुरल यू नो। तो जब तक आप सप्लीमेंट देंगे तब तक आपको कुत्ता अच्छा दिखेगा, जब सप्लीमेंट रोक देंगे तो डाउन हो जाएगा। अगर आप उसी सप्लीमेंट को नेचुरल फॉर्म से फिल्डअप करना चाहेंगे तो वो आपके कुत्ते की बॉडी में सॉलिड बन जी, जाएगा जी जी, जी, जी। और पर्टिकुलर ये आपका करने कोर्सो आपका कार्निवस टाइप का ये डीड है, तो बहुत सारे लोग हैं वेजिटेरियन लोग हैं जी, तो वो लोग भी डॉग का शौकीन है, वो लोग भी डॉग रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि मान लो कोई अगर चिकन बोलिए मटन बोलिए वो लोग का घर में नहीं आता। देखिए मैं तो इसका मेरे पास सोल्यूशन जो मैंने बनाया था वो ये था कि मैं अपने क्लाइंट को उसी हिसाब से रूटीन बना के दे देता हूँ, कैलोरीज कैलकुलेट करके कि कितना प्रोटीन जा रहा है। अब प्रोटीन को बहुत सारे प्रोटीन अब अवेलेबल है मार्केट में, आप चिकपी से और सोयाबीन की बड़ी से और पनीर से काफ़ी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो फूड में, आपको कितना वेजिटेबल डालना है, कितना दाल डालनी है, कितनी चिकपी डालनी है या कितना सोयाबीन, सो उस हिसाब से मैं मेन्यू बना के आपको दे देता हूँ कि आप अपने कुत्ते को। तो रिजल्ट पर्टिकुलर वैसा ही मिलेगा ना आपका? 80-90 मिलेगा, 80-90 मिलेगा, 80-90 मिलेगा। तो बट दैट डिपेंड्स अगेन कि आप कितने रिलीजियसली उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। और ये आपका क्या नाम है आपका, तो वो लोग का शौक तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ। कि एक पर्टिकुलर के भाई हम ऐसा नहीं है कि भाई डॉग नहीं रख सकते। और पैकेट फूड के अगेंस्ट हो या पैकेट? बिल्कुल पैकेट फूड के भी अगेंस्ट हो भाई, मुझे आज तक ना पैकेट फूड समझ में आया है ना कभी आएगा। आपके सामने वो चावल की बोरियां रखी हैं, आई बिलीव इन नेचुरल डाइट विदाउट प्रिजर्वेटिव बिकॉज मुझे अपने हर कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं चाहता हूँ 14 से 15-16 साल जितना जी सकता है जिए। आई डोंट वॉन्ट टू ऐड केमिकल्स टू माई डॉग। एक डॉक्टर के साथ मेरा बात हुआ था, वो सही है कि गलत मैं जानता नहीं हूँ, वो पर्टिकुलर ये बात कहा था कि आप अगर डॉग फूड के ऊपर अपना डॉग को रखोगे तो अपने डॉग का लाइफ स्पैन कम करते हो आप। जी ठीक है, ये बहुत सही बात है। और आपका पर्टिकुलर किन कोर्सों का लाइफ स्पैन कितना होता है एवरेजली? सी एवरेज लिखा है 11-12 इयर्स, बट जैसे बैसेट हाउंड का भी लिखा हुआ है 10-12 इयर्स, बट मेरे पास जो सबसे पुराना कुत्ता है वो 15 साल की बैसेट हाउंड है, फीबी नाम है उसका। सो अगर आप अपने कुत्ते को अच्छे से डाइट पे और अच्छे से चेकअप पे रखते हो और अच्छे से आपकी निगाह है आपके कुत्ते पे डेली टू डे, तो आप अपने कुत्ते को आराम से 15-16-17 साल आराम से ले सकते हो। तो वेटनेरियन इतने अच्छे हो गए हैं कि जी 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 जरा सी प्रॉब्लम आप तुरंत रेक्टिफाई कर सकते। जी जी। और पर्टिकुलर किनकर्सों के अलावा आपके पास मैंने ग्रेट डेन देखा और आपका बेसल्ट हाउस भी है आपके पास और कई इम्पोर्टेड बेसल्ट हाउंड भी है आपके पास। जी। तो बेसल्ट हाउंड लेके कुछ इन फ्यूचर? See, मुझे बैसेट हाउंड इतने क्यूट लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बैसेट हाउंड हमारे घर में ऐसे ना जोकर होते हैं उनकी तरह हैं, केने कोर्सो के एंटरटेनमेंट के लिए। जहाँ केने कोर्सो रुका वहाँ बैसेट हाउंड शुरू हुआ। इट जस्ट मेकिंग अ पैक कि वो हाउंड है मुझे अपने पैक में जो मेरे कुत्तों का था। आपने देखा होगा मेरे पास दो बड़े ग्रेडन इसलिए हैं कि अगर वो जब हंट पे हैं और उनको कुछ मिल रहा है बड़ा तो वो उनको तुरंत रोक मतलब उनको गिरा लें या उनको कंट्रोल रखें या कोई ओवर पावर ना कर पाए, क्योंकि वो दो बड़े कुत्ते हैं वहाँ पे मौजूद। केने कोर्सो का भी एक साइज़ होता है ना, जैसे हमने सारे मैस्टिफ्स भी कैटेगराइज इसलिए किए थे, ब्रीड इसलिए किए थे कि अर्जेंटिनो ये करेगा, ग्रेडेन ये करेगा, काने कोर्सो इसलिए है। तो उस हिसाब से मैंने हाउंड इसलिए डाला है कि जो हाउंड है मेरा वो प्रे सेलेक्ट करने में या प्रे को चेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्मेल करके ऑफ काइंड में कि व्हिच वन गोना बी द प्रे। जी। और एकदम लास्ट बात है, आपने इंडिया का रूल्स रेगुलेशन पूरा ब्रेक कर दिया हो जी, क्योंकि लोग भाई कैनल करते हैं, बोलते हैं भाई कैनल है, लेकिन कैनल के कैनल छोड़ के घर में भी इतने सारे प्यार से डॉग लोग पाल सकता है वो इंडिया में अगर कोई बंदा है तो ओनली यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए, और आपका डॉग बहुत विन करे, अच्छा नाम कमाए
आपका कैनल का नाम बोलिए, बहुत अब तो कैनल नहीं है, आपका घर का नाम रोशन करें। आप तो शुरू से मेरे साथ हैं, आपने तो शुरू पहले लेटर से मुझे देखा हुआ है जी जी, तो आपने तो मेरी ग्रोथ अपनी आंखों के सामने देखी है कि मैं क्या था और क्या हुआ। हम तो आपका शुरू से ही देखे हैं, वही बोले आपने, आप तो मेरे साथ फर्स्ट लेटर से हैं जी 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 जी। थैंक यू सर।